الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاسلام يهدم ما كان قبله والحج يهدم ما كان قبله والهجرة تهدم ما كان قبله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमद व सना हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम अर्ज करने के बाद दुआ है खल्लाक़े कायनात मुझे कलिमात हक़्क़ा कुरान व सुन्नत की रोशनी में बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब को और हमारी आने वाली नस्लों को इस्लाम पे कायम दायम रखे। अल्लाह सुबहानहु ताला इस्लाम को गलबा अता फरमाए। अजीज़ान गिरामी, महंगाई बुराई बेहयाई तो तोहफे हैं हुकूमत के, लेकिन अब वो ये भी चाहते हैं कि इस्लाम को जकड़ दिया जाए। इस्लाम वालों को पाबंदे सलासिल कर दिया जाए, लेकिन ये अकबर जैसे बड़े बड़े बादशाह नामो निशान मिट गया, इस्लाम के खिलाफ आइन साजी करने वालों का भी इंशाल्लाह नामो निशान मिट जाएगा। नया कानून बिल पास करने की कोशिश हो रही है कि कोई मुसलमान 18 बरस से पहले मुसलमान नहीं हो सकता, कोई यहूदी कल इस्लाम पे आना चाहे, ईसाई इस्लाम पे आना चाहे, हिंदू सिख इस्लाम कबूल करना चाहे, और पूरी कई उसमें सिक्के हैं, और जिसने कलमा पढ़ाया उसको भी जेल जाना, बड़े अजीबो गरीब। तो याद रखिए, जिस वक्त जिस उम्र में भी कोई बंदा इस्लाम कबूल करना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। तवज्जो के साथ आपने ये जुमा सुनना है, दलाल के साथ। बचपन की उम्र हो, जवानी से पहले हो, जवानी के बाद हो, 70-100 बरस की उम्र हो,
कोई बंदा इस्लाम कबूल करने वाले को रोक नहीं सकता कि तू इस्लाम क्यों कबूल कर रहा है। याद रखें, जिस दीन की दावत अंबिया देते रहे, उन तमाम अंबियाए किराम में से किसी का दीन कामिल नहीं हुआ था। दीन कामिल और मुकम्मल हुआ है तो हुजूर की जात पर मुकम्मल हुआ है। कुरान कहता है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा का दीन भी मुकम्मल नहीं था। दीन सही माने मुकम्मल हुआ है तो हुजूर की जात अनवर पर मुकम्मल हुआ है। और फिर देखिए जरा, अल्लाह कुरान में फरमाता है वमन यब्तगी गैर अल इस्लाम दीनन फलन युक्बल मिन, जो इस्लाम के अलावा यहूदियत ईसाइयत कोई इस्लाम मजहब कबूल करेगा उसका मजहब कबूल नहीं किया जाएगा। मजहब अगर कबूल किया जाएगा तो इस्लाम कबूल किया जाएगा। कौन सा मजहब? इस्लाम। फलन युक्बल मिन हो उसका मजहब कबूल नहीं किया जाएगा। फहुवा फिल आखिरत मिनल खासिरीन, अल्लाह फरमाते आखिरत में वो खसारे वाले हैं। कौन खसारे वाले हैं? जो दीन इस्लाम को कबूल नहीं करते। जिस तरह कबूल ना करना जुर्म है, दीन के खिलाफ रोकना भी जुर्म है। इस्लाम के खिलाफ आइन साजी करना भी जुर्म है। इस्लाम के मुकाबले में इस्लाम के खिलाफ आइन साजी करना ये इस्लाम से बगावत है, ये इस्लाम से गद्दारी है। देखिए कुरान में अल्लाह फिर फरमाता है इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, जितने भी दीन हैं यहूदियत हो ईसाइयत हो, अल्लाह को जो मजहब पसंद है वो दीन इस्लाम पसंद है। तिजारत बंदा जो शोभा अच्छा होता है, किसी महकमे में जॉब करना चाहता है, जो अच्छी तलाश करता है, तो याद रखें दुनिया की हर चीज हम अच्छी तलाश करते हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छी कोठी, अच्छा कारोबार, अच्छा बिजनेस, अच्छे मामलात, तो याद रखें जब ये चीजें दुनिया के मामलात में अच्छी तलाश करते हैं तो जितने भी मजाहब हैं उन तमाम से बेहतरीन मजहब इस्लाम है। ये हुक्मरानों को भूल है, ये यहूदियों के जो एजेंट बन के हमारे ऊपर फैसले मुसल्लत करना चाहते हैं। नहीं, इस्लाम सबसे अजीम मजहब है। देखिए जरा तवज्जो करना, हुजूर ने फरमाया सबसे बेहतरीन उम्मत मेरी है। क्यों? इसकी इब्तिदा में मैं हूं, इसके दरमियान में इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, और फिर दरमियान में इमाम मेहदी और फिर ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, तो फिर ईसाइयत ज्यादा होनी चाहिए? नहीं। फरमाया फिर वो वक्त भी आएगा रूए जमीन पर एक घर भी ऐसा नहीं होगा जिस घर में इस्लाम ना दाखिल हो जाए। लगा लो पाबंदियां, डालो रुकावटें। हुजूर ने इशारा फरमाया, फरमाया अल्लाह करीम ने मुझे तमाम अंबियाए किराम की उम्मतें दिखाई, एक एक दो दो दस दस पचास पचास उम्मती नबी के साथ। मुझे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ज्यादा नजर आई, मुझे ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ज्यादा नजर आई। फिर मुझे कहा गया जरा अपनी उम्मत देखे। सुभान अल्लाह, हुजूर ने फरमाया जहां तक मेरी निगाह चलेगी मुझे अपनी उम्मत नजर आए। रोक लो, बना लो आइन। और हुजूर ने इरशाद फरमाया अल इस्लाम यालू वला योला, इस्लाम गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं आया। यहूदियों की रिसर्च क्या है? अंग्रेज, उनकी रिसर्च ये है, पहले कहते थे पहले नंबर पे ईसाइयत, फिर यहूदियत, फिर तीसरे नंबर पे इस्लाम है। अब उनकी रिसर्च ये है कि जो सबसे तेजी से मजहब फैल रहा है, रियासत मदीना के दावेदारों को इल्म होना चाहिए,
जो मजहब तेजी से फैल रहा है वो इस्लाम फैल रहा है। खुद यहूदियों ने कहा अब इस वक्त पहले नंबर पे ईसाइयत है, इस्लाम दूसरे नंबर पे है, और जो तेजी से मजहब फैल रहा है वो इस्लाम फैल रहा है। मेरे भाइयों जरा गौर करना, इतना पाबंदियों के बावजूद इस्लाम को दहशत गर्द मजहब बना के यूरोप वाले पेश करते हैं। ये कुरान का वादा सच्चा है, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, इस दीन को अल्लाह ने सब दीनों पे गालिब करना है। वो अल्लाह का वादा दिन ब दिन पूरा हो रहा है कि इस्लाम गालिब हो रहा है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले गए बैतुल मुकद्दस के फतह के मौका पर, शाम में आप तशरीफ ले गए। जब वहां तशरीफ ले गए लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन यहां एक ईसाई पादरी है, उसकी उम्र 100 बरस के करीब है, नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, खलवत नजीम रहता है, तन्हाई में रहता है, आप क्या कहेंगे उसके बारे? तो आपने बरमला फरमाया वो जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। जब आपने ये फरमाया गौर करना, उन लोगों ने दोबारा कहा हजरत आप क्या कह रहे हैं, ईसाइयों का पादरी है, पढ़ा लिखा है, मुत्तकी परहेजगार है, खलवत नशीन है, हर घड़ी इबादत इबादत इबादत, और आप कहते हैं वो जहन्नम में जाएगा। तो आपने फरमाया तुम 100 बरस की बात करते हो, अगर इसकी उम्र 1000 बरस भी हो जाए और इस तरह जिंदगी बसर करे, खलवत तो तन्हाई में रहे, इबादत करता रहे, ईसाइयत पे रहे, फिर भी जहन्नम में जाएगा। उन्होंने पूछा क्यों? कहा ईसा अलैहि सलाम का मजहब दीन खत्म हो गया, जब तक मेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ेगा ये जन्नत में नहीं जा सकता। अब इस्लाम चलेगा, हुक्मरानों को इल्म होना चाहिए, यहूदियों की गुलामी नहीं चलेगी, रसूलुल्लाह का इस्लाम चलेगा। और अल्लाह ने दिन ब दिन इस्लाम को गलबा देना है, गलबा देना है। अफगानिस्तान की सरहद हमारे करीब है, अल्लाह ने इस्लाम को गलबा देना है। लोग कहते थे दाढ़ी वाले ऐसे हैं, पगड़ियों वाले ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, दुनिया ने देख लिया, सारी दुनिया देख रही है। इस्लाम वाले हक वाले हैं, और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमने देखना है जो इस्लाम के खिलाफ रुकावटें डाल रहे हैं, आइन साजी कर रहे हैं, उनका क्या अंजाम होना है, आप सब ने देखना है। मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूं, क्योंकि मत समझे कि जो मनसब पे आ गए उनकी सोच ठीक है, उनकी अकल काम करती है, उनकी फिक्र काम करती है, उनके नजरियात ठीक है, नहीं नहीं, नजरियात वही सही है जो हुजूर के मिंबर से मिलते हैं, ये याद रखें। मेरे अजीजाने गिरामी तवज्जो कीजिए, किसी वक्त भी इस्लाम मक्का मुकरमा में हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, ठीक है ना, तो बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? सैयदना अली अल मुर्तजा ने। हुजूर ने नहीं फरमाया अभी तो उम्र तुम्हारी 8 बरस की है, ठहर जाओ, सोचो जरा, गौर करो, अभी तुम जवान हो जाना, जवान हो जाने के बाद 18 बरस की उम्र होगी, फिर इस्लाम कबूल करना। मुझे तारीख इस्लाम में एक वाकया भी नजर नहीं आया किसी बच्चे ने, बड़े ने, बूढ़े ने, जवान ने, मर्द ने, औरत ने इस्लाम कबूल किया हो, उसे रोक दिया गया हो, अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी है, नहीं नहीं, कहीं भी हो, मशरक में हो, मगरब में हो, शुमाल में हो, जुनूब में हो, यूरोप में हो, इस्लाम ममालिक के अंदर हो, जब भी कोई यहूदी इस्लाम लाना चाहेगा, ईसाई इस्लाम लाना चाहेगा, उसको नहीं कहेंगे अभी गौर करो सोचो, नहीं, उसे फौरन कलमा पढ़ाना जरूरी है। अगर वो बंदा इसी हालत में मर गया जिसको उसने कहा मुझे कलमा पढ़ाएं, अगर उसने कलमा नहीं पढ़ाया, कयामत वाले दिन वो बंदा मुजरिम होगा। हम कहें हर बात ठीक है, नहीं, ये बात इंतहाई गलत है, ये दीन से गद्दारी का नाम है। 15 साल की उम्र में कबूल करें, 18 बरस का हो जाए, फिर तहकीक करेंगे, फिर उसको मौका देंगे, नहीं 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 नहीं, ये सब बातें गलत हैं।
हुजूर नबी करीम रऊफ और रहीम सल्लम ने जब इस्लाम की तबलीग शुरू की, बड़े मुश्किल कठिन हालात थे, बड़ा मुश्किल वक़्त था। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ा मशहूर नाम है, बड़े अजीम हस्ती गुजरे हैं इस्लाम में, सहाबा में उनका बड़ा मकाम था। ये शाम को जाते हुए रास्ते में इनका खानदान रहता था। अभी इब्तिदा इस्लाम थी, हुजूर ने नया नया ऐलान नबूवत फरमाया था हुक्म इलाही से, तो ये बात बाहर दूर दराज चली गई। तो इन्होंने अपने भाई को भेजा कि जाओ हालात देख के आओ और अल्लाह के नबी से मुलाकात करके आओ। वो यहां पहुंचे, खुफिया तरीके से हुजूर तक पहुंचे, आपके हालात को देखा, आपके मामलात को देखा, वापस गए, जाकर कहा अच्छे आदमी हैं, बातें उनकी अच्छी हैं, अखलाक उनका अच्छा है, किरदार उनका अच्छा है। ये बितफसील बात नहीं थी, दिल मुतमइन नहीं हुआ। फिर खुद आए और हालात ऐसे थे कि इंतहा दर्जे की दुश्मनी हुजूर से हो रही थी। हरमे काबा में बैठ गए, सुबह पहुंचे, शाम तक न किसी से बात की, न किसी को आने का मकसद बताया। सैयदना अली मुस्तफा ने देख लिया ये मुसाफिर है, इससे पूछना चाहिए कि रात गुजारनी है, खाना खाना, ये अपने घर ले आए। कोई बात नहीं की, तुम कौन हो, क्या तुम्हारा नाम है, कहां से आए हो, किस लिए आए हो, क्या मकसद है, नहीं। रात गुजारी, सुबह हरम में छोड़ गए, दूसरे दिन शाम हो गई, फिर शाम को घर लाए, तीसरे दिन फिर ले गए, शाम को फिर देखा कि ये तो यहां बैठा है मुसाफिर, न किसी से सलाम दुआ है, ना ताल्लुक है, ना कोई और बात है, घर लाए। तो आपने पूछा कैसे आना हुआ, तुम कहां के रहने वाले हो। कहा मैं इस्लाम कबूल करने के लिए, मैं अल्लाह के नबी के पास मुलाकात के लिए आया हूं। अच्छा, तो फरमाया कि कल तुम मेरे पीछे चलना, अगर कोई काफिर मुशरिक आ जाए तो मैंने जूती उतारने का बहाना बनाना है, तुम आगे चले जाना। जो मैंने रिवायत में आज पढ़ा है, या मैं थोड़ा सा साइड पे होकर पेशाब करने के बहाने चला जाऊंगा तो आपने रुकना नहीं है, कि वो ये ना समझे ये इकट्ठे जा रहे हैं, आपने चले जाना है। कहते चले गए, मैंने जाके बता दिया हुजूर फलां जगह बैठे हैं, मुलाकात की, इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। तो हुजूर ने फरमाया अबू ज़र अभी हालात बेहतर नहीं है, मुश्किलात हैं, कुफार जुल्म करते हैं, अभी अपने ईमान को छुपा के रखना, इजहार नहीं करना। मेरे जवानों बुजुर्गों, कलमा पढ़ा हो और हरम शरीफ में पढ़ा हो और फिर हुजूर के सामने पढ़ा हो, अल्लाह अल्लाह, अल्लाहुम्म सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व असहाब सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। खून ने जोश मारा, ईमान की हरारत ने जोश मारा, कहा हक मजहब कबूल कर लिया, छुपाना क्या। ऊंची आवाज से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मद अब्दुहु व रसूलु पढ़ा, कुफार ने पकड़ लिया, शदीद मारा। हुजूर के चचा अब्बास अभी मुसलमान नहीं हुए थे, ऊपर आके लेट गए, कुछ तो ख्याल करो, ये तुम शाम को तिजारत करने जाते हो तो ये सरे राह इनका खानदान है, तुम्हें तिजारत के लिए जाने नहीं देंगे, तुम्हारा रास्ता रोक लेंगे। उनको समझ आ गई, पीछे हट गए। अगला दिन हुआ, फिर आपने वही कैफियत, उन लोगों ने फिर शदीद मारा, फिर आप लेट गए। लेकिन इन हालात में भी आपने अपने इस्लाम का बरमला इजहार किया,
आज कहा जाता है इस्लाम को कबूल करे तो रोक दिया जाए उसे। हाँ, ला इकराह फी दीन, दीन में जबर नहीं है। मैं जबरन किसी बंदे से तुम कलमा पढ़ो ये नहीं है। मेरे भाइयों जरा खुद सोचें, जरा गौर करें, इतना जुल्म तकलीफें बर्दाश्त करने के बावजूद अपने इस्लाम को छुपाया नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम पूरी यहूदी कौम के सबसे बड़े आलिम थे, सबसे बड़े आलिम थे, तौरात को सबसे ज्यादा जानने वाले थे। यहूदी उम्मत में अपने दौर के बड़े आलिम हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम थे। जब हुजूर मक्का मुकरमा से हिजरत के बाद यसरब में आए और आपकी कदमों के बरकत से मदीना तैयबा बन गया, तो आपका जब चर्चा होने लगा तो आप भी आए। मैं देखूं तो सही, उनसे बात तो करूं जिन्होंने नबूवत का ऐलान कर रखा है, आखिरी नबी हैं। जब आए तो आप जरा गौर करना, चेहरा नबूवत पे जूं ही नजर पड़ी, पहली नजर जब हुजूर के चेहरे पे पड़ी तो कलमा पढ़ लिया और अब कहने लगे ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता, ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम तो नहीं सोचते रहे, पहली नजर, इतना बात भी नहीं हुई, पहली नजर पे आपने कलमा पढ़ लिया। मेरे भाइयों थोड़ा सोचिए, जरा गौर कीजिए। आज हुक्मरान कहते नहीं, उनको मौका दिया जाएगा, वो इस बात पे गौर करें, यहूदियत अच्छी है। हां, मैं एक बात अर्ज करता हूं, जिस हमारे हाकिम को अपने इस्लाम में शक हो यहूदी बन जाए, अल्लाह के को अपने बंदू की जरूरत नहीं है। जिस वजीर का दिल करता है वो ईसाई बन जाए, इस्लाम में कमी नहीं है। जिस साहिब मनसब का दिल करता है हिंदू सिख बन जाए, इस्लाम में कोई कमी नहीं है। मेरे नबी रहमत ने क्या फरमाया, कोई ये कहे कि मैं इस्लाम पे हूं तो ठीक है वरना अल्लाह मोहताज है। इस बात पे जरा गौर करना, तवज्जो करना। हुजूर ने फरमाया अगर रूए जमीन के सारे इंसान उस बंदे की तरह हो जाए जो सबसे पाकीजा दिल का मालिक है, पूरी कायनात के लोग पाकीजा दिल के मालिक हो जाए, अल्लाह की बादशाहत में जरा भी इजाफा नहीं हो जाएगा। अगर रूए जमीन के पूरे इंसान उस बंदे की तरह हो जाए जिसका दिल सबसे बदतर है, हुजूर ने फरमाया अल्लाह फरमाता है मेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं होगी। अगर कोई हाकिम वक्त या कोई वजीर इस्लाम छोड़ना चाहता है, खुशी से छोड़ दे, इस्लाम के खिलाफ आइन साजी ना करे, उसको हक हासिल ही नहीं है, यह याद रखें। हुजूर ने कई मौके पे फरमाया, फरमाया जो हज नहीं करता इस्तेताद के बावजूद, वो यहूदियों के मरे या ईसाइयों के मरे, अल्लाह को उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैं यहां भी अर्ज कर रहा हूं, जिसको इस्लाम अच्छा नहीं लगता, इस्लाम पसंद नहीं है, वो यहूदी ईसाई बन जाए, अल्लाह को जरूरत नहीं है उसकी। एक बच्चा छोटा सा यहूदी का बेटा था, हुजूर से मोहब्बत हो गई, हुजूर से बड़ा प्यार हो गया। जब मोहब्बत हो गई कुछ वक्त के बाद बीमार हो गया, हुजूर को पता चला तो हुजूर तशरीफ ले गए। यहूदी के घर में उस यहूदी बच्चे की मोहब्बत की वजह से हुजूर तशरीफ ले गए, करीब जाके बैठे, खैरियत पूछी, उसके बाप करीब बैठा हुआ था। हुजूर ने इस्लाम की दावत दी, अब वो अपने बाप के चेहरे को देखता है, कभी हुजूर के चेहरे को देखता है। उसका बाप समझ गया मेरे बेटे का दिल करता इस्लाम कबूल करने का, लेकिन बाप की वजह से कबूल नहीं कर रहा। बाप ने कहा बेटा तुम इनकी इताअत करो, जैसे ये कहते हैं तुम मान लो। मदीना का यहूदी तो नहीं कहता बेटा ठहर जा, सोच, जरा गौर कर, हमारे हुक्मरान आइन साजी कर रहे हैं, नहीं। आप सोचिए जरा, कोई मत कहे कि सियासी मामला है, नहीं मेरे भाइयों, हमारे ईमान का मसला है, हमारी दीनी गैरत का मसला है।
जब बाप ने ये कहा बेटा जैसे ये मोहम्मद इब्ने नाम लिया ना हुजूर का, जब ये कहते हैं जैसे कहते हैं मान लो, जब बाप ने कहा तो उसने फौरन कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ा, कितना खुश नसीब वो बच्चा था जो यहूदियत से इस्लाम में आया और इस्लाम कबूल करने के बाद फौत हो गया। उसे कोई नमाज, कोई रोजा, कोई अमल नसीब नहीं हुआ, सिर्फ आखिरी वक्त में उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर बाहर निकले, हुजूर का चेहरा खुशी से खिल उठा। चौदहवीं रात के चांद की तरह चमकता हुआ बदर जैसा हुजूर का चेहरा, और हुजूर की जुबान पे क्या था, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने मेरी वजह से एक बंदे को जहन्नम से बचा लिया है, अल्लाह ने मेरी वजह से एक बंदे को जहन्नम से बचा लिया है। मेरे भाइयों, ये चाहते हैं हुक्मरान जहन्नम में जाए, मेरा अल्लाह उसके रसूल चाहता है कि मेरे बंदे जन्नत में जाए। सोचिए कैसा नजरिया है, कैसा अकीदा है, कैसी आइन साजी है। यूरोप के लोग सुनिए जरा, इस वक्त सबसे बड़े परेशान हैं, सबसे ज्यादा परेशान है। हमने इस्लाम के खिलाफ बगावत की, हमने कुरान को पांव के नीचे रौंदा, ये मुसलमान पीछे नहीं हटे। हमने कुरान को गट्टू में डाला, मुसलमान पीछे नहीं हटे। हमने इनके नबी के खिलाफ खाके शाये की, ये पीछे नहीं हटे। हमने इनके नबी की गुस्ताखियां की, फिर भी पीछे नहीं हटे। हमने मुसलमानों को दहशतगर्द बना के पेश किया दुनिया के सामने, मुसलमान की तस्वीर ये है दहशतगर्द की, ये पीछे नहीं हटे। हमने जो कुछ किया है ये पीछे नहीं हटे। बच्चे हमारे हैं, कलमा मुसलमानों का पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर। अब जरा गौर करें, जरा उनको खौफ है, खतरा है, तेजी से इस्लाम फैल रहा है। हमने सारे हरबे किए लेकिन फिर भी इस्लाम बढ़ रहा है, इस्लाम तेजी से फैल रहा है, और इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में भी फरमा दिया ले युज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले, अल्लाह ने इस दीन इस्लाम को तमाम दीनों पे गालिब कर देना है। और मेरे नबी ने भी फरमा दिया अल इस्लाम यालू वला योलम, फरमाया इस्लाम गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं आया। अकबर बादशाह भी दीन इलाही नाफिज करना चाहता था, दीन अकबरी नाफिज करना चाहता था, कहां गया, किधर गया। इनकी तो पावर कुछ भी नहीं है, उसकी तो बड़ी पावर थी, उसकी तो बड़ी लंबी बादशाह थी, वो तो बड़ा मजबूत था, लेकिन जब दीन के खिलाफ बगावत की तो फिर अल्लाह करीम ने हजरत शेख मुजद्दिद रहमतुल्लाह ताला अलैह, सबको रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक मुसलमान, एक वली कामिल, एक वक्त का मुजद्दिद मैदान में आया जिसने पूरी बादशाहत को हिला के रख दिया, और अकबर बादशाह भी अपने बुरे अंजाम को पहुंच गया। इबरत हासिल करें, इबरत हासिल करें। ये तकब्बुर के, गुरूर के नशे में हैं। हजरत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने ख्वाब में जन्नत को देखा और फिर मैंने जहन्नम का मुशाहदा किया, तो मैंने दरोगा जहन्नम से कहा, दरोगा जिसके नाम मालिक, मुझे जहन्नम में अकबर बादशाह तो दिखाओ। कहा मैं तो बाहर हूं, मुझे ख्वाब में सारा कुछ, मुझे अकबर बादशाह की शक्ल दिखाओ। और फरमाते अपने मकतूबात में फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद मालिक जहन्नम दरोगा फरिश्ता जो था वो एक बक्सा लेके आया, बैग समझ लो, बक्सा समझ लो, लेके आया। तो जब आप जरा तवज्जो है ना, उसने जब वो खोला तो अंदर एक चूहा पड़ा हुआ था, चूहा पड़ा हुआ था। तो आप फरमाते मैंने कहा मालिक मैंने तुझे कहा है कि मुझे अकबर पाशा दिखाओ, कैसे गुजर रही है, क्या उसकी हालत है जहन्नम में। तो मुझे जहन्नम के फरिश्ते ने कहा फारूक अहमद सरहंदी साहब ये अकबर बादशाह है। मैंने कहा कैसे,
कहा जिस तरह चूहा काटता है ये भी मेरे नबी के दीन को काटना चाहता था। अल्लाह ने उसको जहन्नम में भी डाल दिया है और चूहा बना दिया है। ये हुक्मरान नशे में है, कितना आए चले गए हुजूर के दीन के खिलाफ। ये हालत, ये आइनसाजी, इस्लाम में कोई पाबंदी नहीं है, हदीस में कोई पाबंदी नहीं है, कुरान में कोई पाबंदी नहीं है, दिन हो या रात हो। हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा इस्लाम कबूल करने के लिए आया, तो जिसने पैगाम दिया थोड़ी ताखीर से मिलना चाहता है, उसने कहा इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। थोड़ी सी ताखीर हुई तो जब आए तो उसने कहा मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, तो आप गुस्से हुए उस आदमी से कि इतना देर क्यों हुई इस्लाम कबूल करने में। हमारे काबरीन का तो ये नजरिया था, आधी रात का वक्त हो, रात का कोई हिस्सा हो, मौलाना साहब या पीर साहब के पास कलमा पढ़ना बंदा चाहता है, मौलाना साहब के आराम की कोई हैसियत नहीं है, उस बंदे को फौरन कलमा पढ़ाना चाहिए। या कहते हैं नहीं तहकीकात होंगी, उसको सोचने का मौका दिया जाएगा। 15 बरस का है तो 18 बरस का हो जाएगा। तो मेरे भाइयों ये सब वो आईन है जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी है, बना ले कब तक रहेंगे, कब तक रहेंगे, ये याद रखना। इस्लाम के खिलाफ जिसने बगावत की है अल्लाह ने उसका बुरा अंजाम किया है। अब बात महंगाई बुराई की बात नहीं, अब हमारे ईमान की बात है, अब हमारे अकायद और नजरियात की बात है। हम सब बर्दाश्त कर रहे थे, आज बेशुमार मिंबरों पे यही आवाज उठ रही है, हम इस आईन की मुजम्मत करते हैं, क्या ख्याल है? हाथ उठा ले अगर आपको ये बात है। हम इसकी भरपूर मुजम्मत करते हैं, इस कानून को खत्म किया जाए, वरना अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हैं और अल्लाह के गजब के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह हम सबको इस्लाम पे जिंदगी और ईमान पे मौत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।